हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। ठीक है, पिछले मुगल एम्पायर पे हमने कई वीडियोस आपको दिया, उसमें आज है मुगल एम्पायर में हम पढ़ेंगे एक नए रूलर्स का, जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां जिसकी जो पीरियड्स है, जो रेजेंस पीरियड्स है, एडमिन पीरियड है, वो है 1627 से लेकर के 1627 से लेकर के 1658 तक। ठीक है, इसकी जो रेजेंस पीरियड हुई वो रही 1627 से लेकर के 1658 पे। ठीक है, इसके पहले भी हमने तमाम तरीके के जो रूलर्स हुए उनके बारे में हमने पढ़ा है कि जो सबसे पहले जो फाउंडर हुए थे उनका नाम बाबर, देन आए थे हुमायूं, उनके बाद में आए अकबर, उनके बाद में आया जहांगीर और फिर आए शाहजहां। ठीक, इस बाबर और हुमायूं के बीच में एक दूसरा आ गया था, वो थे सैयद शाह सूरी, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए 15 सालों तक ये इनका शासन करता है। ठीक, फिर हम अब एक नए सम्राट की बात करते हैं जिसका नाम है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो है, शाहजहां को, ठीक है, हिस्ट्री में कहीं कहीं ये भी मिलता है कि वो वाज इंजीनियर किंग, इंजीनियर किंग इन द मुगल एम्पायर। ठीक, जो मुगल एम्पायर है उस मुगल एम्पायर में किस किंग्स को इंजीनियर किंग कहा जाता है, तो कौन है? शाहजहां। शाहजहां वार, ठीक है, इनको इंजीनियर किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही वाज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनको बिल्डिंग बनवाने का बहुत ज्यादा शौक था, इस नाते इनको इंजीनियर किंग कहा जाता है। ठीक है, हु इज नोन एज इंजीनियर किंग, जिनको क्या कहा जाता है? शाहजहां को इंजीनियर किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास, इनको बिल्डिंग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, ये बिल्डिंग में इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। ठीक, इनके अलावा देखेंगे जो शाहजहां हुआ, शाहजहां का बर्न हुआ इन लाहौर, जो अब कहाँ पे है? पाकिस्तान। इसका जन्म इस सन में हुआ और इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में, ठीक, 1592 में इसको पूरी तरीके से सिंहासन मिलता है मुगल एम्पायर का। ठीक, इनके अलावा हम देखेंगे जो शाहजहां है, शाहजहां के पीरियड्स को मुगल पीरियड का गोल्डन पीरियड्स भी कहा जाता है। जो शाहजहां हुआ, शाहजहां के पीरियड्स को, ठीक, शाहजहां पीरियड इज आल्सो known as golden period in मुगल हिस्ट्री। ठीक है, जो शाहजहां है, शाहजहां के रीजेंस में, जो शाहजहां का एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड हुआ, उस एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में जो
मुगल एम्पायर में उसने बूम किया था। रैग में सबसे ज़्यादा अगर अचीवमेंट्स किसी ने गेन की थी तो वो शाहजहां के एडमिन पीरियड में रही है। सो शाहजहां पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड्स इन द मुगल हिस्ट्री। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड हिज नेम इज प्रिंस खुर्रम। ठीक है, इसका बचपन का जो नाम था वो था प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम, ठीक है। इसके पापा का नाम क्या था? जहांगीर। ठीक, हर फादर नेम इज जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम हुआ प्रिंस खुर्रम। जैसा हम जानते हैं कि जहांगीर की एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था नूर जहां, है ना। बट प्रिंस खुर्रम इज नॉट अ सन ऑफ प्रिंस खुर्रम। ठीक है, जो नूर जहां थी, नूर जहां का जो पुत्र था वो प्रिंस खुर्रम नहीं था। ये जहांगीर के दूसरी पत्नी से था जिनका नाम हुआ करता था अर्जुन बंग बानो। ठीक है, अर्जुन बंग बानो मदर ऑफ जहांगीर है, मदर ऑफ शाहजहां, सॉरी। ठीक है, शाहजहां की माता का नाम अर्जुन बंग बानो, जो उदय सिंह एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था उदय सिंह, है ना। उदय सिंह की ये डाटर हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था अर्जुन बंग बानो। उसके बाद हम, ठीक है, इसका जो एडमिन पीरियड रहा वो 1628 से लेकर 1658 तक रहा। और ये जहांगीर के बेटे थे, उनकी माँ का नाम अर्जुमन बानो हुआ करता था। शाहजहां के पीरियड्स को हम गोल्डन पीरियड्स में मुगल एम्पायर कहते हैं, क्योंकि जो मुगल एम्पायर ने जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स गेन करी वो इनके शासनकाल में ही करी। इनको इंजीनियर किंग कहा जाता है क्योंकि जो सबसे इनको बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी जो मेन इवेंट्स है, मेन इवेंट्स ऑफ शाहजहां। ठीक, जो शाहजहां में शाहजहां की जो मेन इवेंट्स रही है उस मेन इवेंट्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शाहजहां ने 1628 में एक थे राजा जुझार सिंह, जो थे किंग ऑफ बुंदेलखंड। 1628 में इन्होंने शाहजहां के अगेंस्ट में एक बैटल लड़ा, बट ये जो ये राजा जुझार सिंह ये डिफीट हो गए बाय द किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक, फिर सेकंड क्या हुआ? सेकंड, अब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे किंग थे जिन्होंने मुगल एम्पायर के सामने, दरबार शाहजहां के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। बाद में इसने अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू किया। इसके अलावा इसने डेक्कन और क्षेत्रों में, दरमियान जो मुगल एम्पायर के और सम्राट थे जिन क्षेत्रों में उनका कब्जा नहीं हुआ करता था उन क्षेत्रों में इसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। इनके अलावा फिर हम देखेंगे इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बनवाया जिनका, जिसका नाम है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल को इन्होंने बनवाया था फॉर हर हिज बिलव्ड वाइफ जिनका नाम था मुमताज महल, है ना, मुमताज महल के याद में इसने
ताजमहल जैसे इमारत को भी बनवाया था। इनके अलावा फिर देखेंगे, इसने पूरी तरीके से इसकी जो मेन रीजन्स रही है कि राजा जुझार सिंह जो बुंदेलखंड के राजा थे उनको भी पूरी तरीके से हराया। उनके बाद और भी अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकोंडा क्षेत्र को इसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। बाद में डेक्कन क्षेत्र को भी इसने लिया और बाद में अपनी मिलिट्री को नॉर्थ वेस्ट रीजन के में भी भेजा, जिससे ये कांधार क्षेत्र को भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट एक बात आती है रिलेशन विद यूरोपियन ट्रेडर्स, जो हम देखेंगे कि जो विदेशी यूरोपियन लोग भारत में व्यापार करने आए थे वो लोग जहांगीर के रीजन्स में ही आए थे, लेकिन यहाँ पर हम इसके रिलेशन को देखेंगे, दैट मीन जो शाहजहां का रिलेशन रहा उसके बारे में देखेंगे। रिलेशन विद यूरोपियंस, जो यूरोपियंस रहे उनके साथ इसका संबंध कैसा था, तो हम देखेंगे कि 1641 में ठीक है इसने जो पोर्टुगीज लोग हुआ करते थे, जो पुर्तगाली थे, जहांगीर ने जिनको पूरी तरीके से परमिशन दी थी कि वो पूरी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनके इस परमिशन को इसने पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया था। और जो हुगली पोर्ट था उस पोर्ट को इसने फोर्टिफाइड से करवा दिया था, ताकि जो बाहरी लोग हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार करने ना पाए। इनके बाद उस टाइम जो हुगली हुआ करती थी वो मेन सेंटर्स हुआ करती थी फॉर द ट्रेड एंड ट्रेडिंग, बट इसको इसने फोर्टिफाइड करवा दिया था। नेक्स्ट बात आती है कि पूरी तरीके से ताजमहल जो आगरा में इसने बनवाया था, जो बहुत ही स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट है, जिसको इसने अपनी वाइफ मुमताज महल के याद में बनवाया था, जिनका नाम हुआ करता था अर्जुमंद बानो, 1631 से 1653 तक, ठीक है 1631 से 1653 तक जो ताजमहल हुआ उसका कंस्ट्रक्शन चला, और ये जो मॉन्यूमेंट है वो बहुत ही फेमस है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो शाहजहां हुए, शाहजहां जहांगीर के लड़के हुआ करते थे, जो मुगल एम्पायर का एक बहुत ही ग्रेट इंपायर हुआ, जिसने बहुत सारी अचीवमेंट्स गेन करी, इस नाते इसके पीरियड्स को गोल्डन पीरियड्स ऑफ द मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ, कहाँ, लाहौर पाकिस्तान में। ये जहांगीर का बेटा था। इनके अलावा देखेंगे जो शाहजहां हुआ उसके पीरियड्स को गोल्डन पीरियड इन मुगल हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये इसको इंजीनियर किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट इंटरेस्टिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। इनके अलावा फिर इसके अचीवमेंट्स भी हमने देखा कि 1628 में इसने राजा जुझार सिंह को हराया। इनके अलावा फिर और अहमदनगर डेक्कन क्षेत्र को भी इसने कब्जा कर लिया, और बाद में इसने जो जहांगीर ने बहुत सारे क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य लोगों को व्यापार करने के लिए परमिशन दी थी, उस परमिशन को भी इसने पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया। बाद में इसने कांधार और अन्य क्षेत्र को भी कब्जा किया, और एक बहुत ही बेस्ट इमारत भी इसने बनवाया, 1631 से शुरू किया जो 1653 तक चला, जिसका नाम ताजमहल हुआ। ताजमहल को इसने अपने बिलव्ड वाइफ मुमताज महल के याद में बनवाया था। और बाकी इनके बाद आपको जो नेक्स्ट मुगल एम्पायर में मिलेंगे उनका नाम होगा औरंगजेब, और औरंगजेब को हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।